गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विभिन्न ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स के चैप्टर फाइव शिष्टाचार से अभ्यास बताने जा रही हूँ। इसका चैप्टर थोड़ा बहुत हेडलाइन बता दिए थे पहले वीडियो में, और अब जो है इसमें प्रश्न कुछ कठिन कठिन है, ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्न लिखा हुआ आंसर किताब में ना भी रहे तो आपको बनाना होगा, क्योंकि मैं बोल दे रही हूँ वीडियो के माध्यम से सीखिए या पढ़ के सीखिए, क्योंकि स्पेस नहीं है लॉन्ग कहानी प्रश्न के आंसर लिखने के लिए। ध्यान दीजिए, सेक्शन ए में जो है कुछ ओरल क्वेश्चन, इसमें कुछ ओरल क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। का पांचों पांडवों के नाम बताओ। आप बताइए, कहानी तो पढ़ दिए थे लेकिन आप पांच पांडवों के नाम बताइए, आपको नहीं पता है तो देखिए आंसर में होगा, लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रही हूँ ध्यान दीजिए। पांडवों के नाम है, सबसे पहला युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों पांडवों का नाम हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख, ख में आ जाइए। ख में है, कौन सा दृश्य देखकर कौरव दल में हर्ष की लहर दौड़ गई। आप बताइए कि कौन सा, तो युधिष्ठिर को अपनी सेना की ओर पैदल आते देख करके कौरवों में हर्ष की लहर दौड़ाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ग आ जाइए, शिष्टाचार का अर्थ बताओ और उसका महत्व क्या है। देखिए महत्व क्या है पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें है कि शिष्टाचार का अर्थ है सद्व्यवहार, यानी अच्छा व्यवहार, और उसका महत्व है कि दुश्मन भी आशीर्वाद देने पर विवश हो जाते हैं, समझे। क्योंकि दुश्मन को आप उसे प्लीज करके बोलिएगा, रिस्पेक्ट करिएगा, प्रणाम करिएगा, अच्छे व्यवहार करिएगा, तो वो क्या करेगा, दुश्मन होते हुए भी आशीर्वाद उसको देना पड़ेगा, यानी उस लायक आप हो जाइए, इसी यही इसका अर्थ है तीसरा के। आप समझिए, ग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू आ जाइए, टिक द करेक्ट। इसमें है क में हो जाएगा आंसर दूसरा दूत हो जाएगा, ख में हो जाएगा ख के संबंधी है मित्र है, तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा संबंधी, क्योंकि पांडव को संबंधी बन करके न गए थे बोलने दुर्योधन को। अब आ जाइए तीसरा ग, ग में आ जाइए। ग के क्या है, कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में मैदान में क्या हो गई, डटी रही, दोनों डटना माने मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। घ में आ जाइए। घ में है कि युधिष्ठिर भीष्म पितामह से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात किसके पास गए थे, तो आचार्य द्रोण के पास गए थे, गुरुजी के पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री आ जाइए। थ्री में है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें, ठीक है। इसमें है, देखिए भाव स्पष्ट करना है, अर्थ तो दिखाई दे रहा है क्योंकि हिंदी है, हिंदी तो करना ही है, लेकिन इसको भाव क्या है, तो सुनिए। का मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, इसका आशय क्या है, भाव स्पष्ट करें। इस पंक्ति का भाव यह है कि श्री कृष्ण जो है पांडवों के दूत बन करके राज दरबार में स्वयं जा करके पांडवों के हिस्सा भाग दे देने के लिए उन्हें बोले, लेकिन दुर्योधन जो था अपने हठ बस अपने जिद पर अड़ा रहा और यह स्पष्ट शब्दों में बताया कि मैं पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, यही इसका मूल भाव है, ठीक है। अब ख में आ जाइए। आदरणीय पितामह, हम यह युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु कौरव सेना से युद्ध करने के लिए हम विवश हैं। यह उस समय की बात है कि भीष्म युधिष्ठिर जो है लड़ाई करने के मैदान में उतरने के लिए जब जा रहे थे तो भीष्म पितामह से प्रणाम करने गए और बोले, इस पंक्ति उस भाव के में लिखी गई है कि युधिष्ठिर विपक्षी पार्टी को जानते हुए भी बड़ों के सद्व्यवहार तथा आशीर्वाद लेकर अपनी ईमानदारी के साथ युद्ध के लिए विवश होते हैं, क्योंकि युद्ध करना किससे होता है, दुश्मन से होता है, और इनको सारे अपना ही अपना थे, लेकिन अपनों में हिस्सा के लिए
युद्ध हुआ और अपने जब युद्ध होता है तो वह अपना अपना नहीं रहता है, उसके साथ सद्व्यवहार के जगह पे दुर्व्यवहार करना पड़ता है क्योंकि लड़ाई करना है। यही हुआ इसका अर्थ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरो। इसमें सबसे पहले का में है शंखनाद। बताए थे ना कि शंखनाद जो लड़ाई के पहले बजाया जाता है वही हुआ शंखनाद। और उसी लाइन में है प्रतीक्षा, ठीक है। अब ख में आ जाइए, ख में है कौरव और पांडवों के सेनाएं कुरुक्षेत्र में, कहाँ उतर गए, कुरुक्षेत्र में। ग में आ जाइए, भीष्म पितामह युधिष्ठिर के विनम्रता पूर्वक शिष्टाचार को देख करके गदगद हो गए, ठीक है। घ में आइए, घ में है युधिष्ठिर, घ में क्या है युधिष्ठिर, देखिए युधिष्ठिर है और आगे है पश्चात। युधिष्ठिर भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने के पश्चात, पश्चात माने बाद में, आचार्य द्रोण के पास गए। सबसे पहले भीष्म पितामह से प्रणाम करके आशीर्वाद लिए, उसके बाद में गुरु द्रोण के पास गए, ठीक है। अंगा आ जाइए, अंगा में है मैं तुम्हारे शिष्ट आचरण से प्रसन्न हूँ और तुम्हें युद्ध की अनुमति देता हूँ, इसमें अनुमति होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए, इसमें कि सही सर पर घेरा लगाना है। तो श्री कृष्ण कौरवों के दूत बन के गए थे कि पांडवों के, तो पांडवों में घेरा लगाना है क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं, क्योंकि धर्म की तरफ भगवान रहते हैं, समझे। तो कौरव जो थे वह क्या थे, दुष्ट विचार के थे, अत्याचारी थे, इसलिए भगवान जो हैं श्री कृष्ण स्वयं इनके हिस्सा बंटवाने के लिए पांडवों को दूत बन के गए थे। पांडव पर घेरा लगाइए। ख श्री कृष्ण दुर्योधन अर्जुन तो के सारथी, किसके सारथी थे, अर्जुन के सारथी थे। महाभारत देखे होंगे तो उसमें कृष्ण जो है स्वयं सारथी बने हैं अर्जुन के। ग युधिष्ठिर, ग में है युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर कौरवों की ओर चल पड़े, समझे। इसमें कौरवों में घेरा लगाइए, हो गया। पहला में पांडव, का में ख में अर्जुन और ग में कौरव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, 6 में है श्री कृष्ण, इसमें प्रश्न उत्तर लिखना है। ये विशेष आप किताब पढ़ के लिखिएगा क्योंकि किताब में अच्छी तरह आपको लिखने में आराम होगा, इसलिए। कम है कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के दरबार में क्यों गए थे, तो ये तो पहले ही बता चुके हैं कि श्री कृष्ण जो है पांडवों के दूत बन करके धृतराष्ट्र के दरबार में खुद पांडवों के हिस्सा दिलवाने के लिए गए थे, ठीक है। ख युधिष्ठिर को अचानक कौरव सेना की ओर आते देखकर दुर्योधन ने क्या समझा। युधिष्ठिर को अचानक कौरवों के सेना की ओर पैदल आते देख करके वह खुश हो गया, सोचा कि लगता है कि यह हमसे डर रहा है और हमसे क्षमा मांगने के लिए आ रहा है, ठीक है। ग युधिष्ठिर ने, ग में आ जाइए, ये देखिए ग में है कि युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से क्या निवेदन किया। तो युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से निवेदन किया कि भीष्म पितामह मैं लड़ाई करने के लिए नहीं चाहता हूँ और नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने हिस्से के लिए क्या करूँ, लड़ाई क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, मैंने क्या करें, मैदान के लड़ाई के क्षेत्र में उतर जाए। तो वह क्या करते हैं भीष्म पितामह, आज्ञा देते हैं, कहते हैं कि विजयी भव। अब देखिए ग आ जाइए, ग में है युधिष्ठिर के भीष्म पितामह से क्या निवेदन किया। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से निवेदन किया कि मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। देखिए लड़ाई भी उन्हीं से लड़ने जा रहे हैं, उन्हीं के तरफ वाले से, और क्या मांग रहे हैं, विजयी क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं, और उन्हें देना पड़ा क्योंकि इस तरह अब जब दुश्मन भी आप पैर पकड़ लेगा तो आपको खुश रहना ही रहने कहना ही पड़ेगा। अब देखिए अंगा, इसमें है युधिष्ठिर के किन किन का आशीर्वाद लिया और क्यों। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से आशीर्वाद लिया और गुरु द्रोण से आशीर्वाद लिया, और क्यों, क्योंकि अपना राज जीतने के लिए, ठीक है। विशेष अपना मिलाइएगा,
लेकिन जितना बना आंसर मैं सही बोल रही हूँ। ध्यान से अपना लिखिएगा, नोट कॉपी बनाइएगा और क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। इसमें वाक्य बनाना है, तो इसमें वाक्य बनाना है तो वाक्य हर तरह से होता है। हम तो बना दिए हैं एक कमज़ोर बच्चे के लिए, लेकिन जो बच्चे एक्टिव हैं वो खुद बनाएंगे। जैसे स्पष्ट है तो आप इसको में दुर्योधन के कही हुई बात भी लिख सकते हैं कि मैं स्पष्ट शब्द में बता दिया हूँ कि मैं पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी जमीन चाहे भूमि नहीं दूंगा। ऐसे तो मैं लिख दी हूँ कि स्पष्ट उत्तर दो। जो भी बनाइए, बाघ छोटा हो या बड़ा हो, बाघ होनी चाहिए। सारथी, श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बने। इसमें मैं देती हूँ मैं तुम्हारा सारथी हूँ, लेकिन जिस तरह भी वाक्य जो है ना एक तरह नहीं होता है, अलग अलग बनाइएगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अचानक हुआ, अचानक आ गया, हम तो ऐसे बना दिए हैं, लेकिन हुआ कि अचानक के और भी कुछ बना सकते हैं आप। चिंतित, मैं चिंतित हूँ, क्या लिखिए कि परीक्षा के समय में विद्यार्थी चिंतित होते हैं, ठीक है, चिंतित रहते हैं। धर्मराज, युधिष्ठिर धर्मराज है, ठीक है। अब समानार्थी शब्द क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। 8 में है कि समानार्थी शब्द लिखो। दूत के हो जाएगा संदेश वाहक। प्रतीक्षा, युद्ध के हो जाएगा लड़ाई, युद्ध के क्या हो जाएगा लड़ाई। ग, प्रतीक्षा के हो जाएगा इंतजार। और घ, चिंतित के हो जाएगा परेशानी। घ अंग, हर्ष के हो जाएगा खुशी। और प्रणाम के हो जाएगा नमस्कार, प्रणाम के क्या हो जाएगा नमस्कार। अच्छा, अनुमति के हो जाएगा आज्ञा। और ज, निर्वाह के हो जाएगा गुजारा। ना कहते हैं कि गुजर बसर कर लिया। अब आगे आ जाइए, इसमें है पीछे नेक्स्ट पेज में है क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध करके लिखना है, आपको तो शुद्ध लिखने के लिए सीखना होगा, या तो पाठ से लिखिए या नहीं तो मैं तो ऐसे बना दी हूँ पूरा आंसर। देखिए शिष्ट इस तरह लिखाता है, क में शिष्ट, ख में कुरुक्षेत्र, ग में आचरण और घ में भीष्म, छ में धर्मराज और ज में अग्रज, अग्रज माने बड़ा, और झ में प्रणाम और ञ में धृतराष्ट्र, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन में आ जाइए। राज्य कौन से कारक बताना है, तो कारक के जो चिन्ह है, 8 कारक होते हैं, 8 के चिन्ह बताई हूँ कर्ता ने कर्म को, चाहे आपको पता ही होगा। इसमें चिन्ह से इसे कारक के नाम लिखना है, ठीक है। तो क में हो जाएगा करण कारक, से है, और ख में हो जाएगा संबंध कारक, ग में हो जाएगा संबंध कारक, और घ में हो जाएगा भी संबंध कारक, अंग में हो जाएगा अधिकरण कारक में पेपर, और च में हो जाएगा भी अधिकरण कारक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। 11 में वर्ण विच्छेद करना है, इसमें स्पेस नहीं था इसलिए मैं छोटी छोटी बना दी हूँ, लेकिन आपको खुद भी मिला जुला करके बनाइएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह नहीं था। ऐसे हम बना दी हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए। देखिए दरबार के वर्ण विच्छेद है, तो वर्ण विच्छेद आपको पता है, बताई हूँ ना मैं क्लास में। र, तो र हलंत प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस अ प्लस द हलंत प्लस अ द हल र हलंत प्लस अ और ब हलंत प्लस आ और र हलंत प्लस अ दरबार। इस तरह करके आप बना लीजिएगा वर्ण विच्छेद में कोई, क्योंकि स्वर जो है व्यंजन के साथ मिलता है तो व्यंजन के उच्चारण होती है। ये तो आप पहले ही आपको बताई थी, अब याद है कि नहीं याद है, ये ध्यान से फिर से आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। 12 में है निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द बनाना है। उपसर्ग आपको हम 22 याद कराए थे क्लास में, लेकिन हिंदी के टीचर क्या पढ़ाए क्या नहीं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आपको मैं संस्कृत के जरिए उपसर्ग का ज्ञान करा दी थी करीब करीब सब क्लास में, 4 से लेके 8 तक के। आप 6 के बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग मैं बताई थी संस्कृत में, 22 उपसर्ग होते हैं। आप लोग को याद नहीं होगा तो ग्रामर से देख लीजिएगा।
और उपसर्ग से क्या बनाना है, शब्द बनाना है, उप है तो उप से क्या हो जाएगा, उपकार हो जाएगा, चीर है चीर से चिराग हो जाएगा, नी है नी से नीरज है निरोग हो जाएगा, कुछ भी बनाइए, और आ है तो आ से आसमान हो जाएगा, ये आम बना दिया है, कुछ भी बनाइए लेकिन उसमें उपसर्ग बनाना है। इसमें आराम भी बना सकते हैं कि राम में क्या लग गया, आराम आ आ लग गया उपसर्ग, आराम बनाइए इसको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी में आ जाइए। सेक्शन बी में पाठ के आधार पर कुरुक्षेत्र के मैदान का वर्णन करो। ये तो खुद आप एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हैं कि पाठ के आधार पर, तो लिखिएगा कि पांडव और कौरव में युद्ध हुआ और युधिष्ठिर श्री कृष्ण खुद पांडव के तरफ से उनके हिस्सा दिलवाने के लिए जा कर के आग्रह किए, फिर दुर्योधन अपने अभिमान और घमंड में चूर होकर के नहीं माना और दोनों में घमासान युद्ध हुई, और अंत में क्या हुआ कि श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बने और बीच बीच में अपना उपदेश देते रहे, उसके नतीजा हुआ कि यह उपदेश से चला धर्म की विजय होकर के ही रहता है, यह धर्म की लड़ाई था क्योंकि अपने हिस्सा की लड़ाई था, कोई गलत लड़ाई नहीं था, इसके परिणाम हुआ कि पांडव को जीत हुई और कौरवों को हार हुआ, इसका यही होगा पाठ के आधार पर। और दूसरा देखिए आप इन्हें क्या कहते हैं, लिखो। अच्छा, आपकी माँ की माँ क्या होती है, नानी, एक बताया हुआ है। ख, आपके पिताजी की माँ दादी, पिताजी की माँ क्या होती हैं, दादी, ठीक है, ध्यान दीजिए। आप देखिए ध्यान से इसमें है, इसमें है कि ग, आपके पिताजी के बड़े भाई चाचा, घ, आपकी माँ की बहन मौसी, अंग, आपके चाचा जी की पत्नी चाची, चाचा जी की, आपके चाचा जी की पत्नी क्या होगी, कोई बड़ी मम्मी भी कह देती हैं लेकिन चाची, और च, आपके भाई की पत्नी भाभी, और छ, आपकी माँ की भाई मामा, मामा चाहे मामू जो भी बोलिए, है ना, और अंगा में ज में है, ज में आपके पिताजी की बहन बुआ, ठीक है, इसे फुआ बोलती है ना, उसे बुआ शुद्ध शब्द बुआ है। अब हो गया, अब इसको अच्छी तरह नोट कॉपी बना लीजिएगा, याद करते रहिएगा, क्योंकि जब तक स्कूल नहीं खुलती है तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, हम लोग की जिम्मेवारी भी बढ़ा ही है, लेकिन आप अच्छी तरह पढ़िएगा, ध्यान से याद करते रहिएगा, हो सकता है स्कूल खुले और एग्ज़ाम थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी लिया जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।